अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल को ब्यूटी विद नूर। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बना रही थी एक एनर्जी ड्रिंक, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये एनर्जी ड्रिंक कैसे बनती है। तो इसमें मैंने लिया है ये तरबूज। तो तरबूज को हम खा तो लेते हैं, आज हम देखते हैं तो इसमें हमारी इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बनाती हैं और हमारी स्किन को भी साथ साथ बेहतर करती हैं। ये हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको उसके अंदर इतनी ज़्यादा कुवत मुदाफ़ पैदा करता है ताकि हमारी बॉडी जल्दी बीमारियों को पकड़ ना सके, यानी कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुवत मुदाफ़ पैदा करता है। वाटरमेलन जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है और जो हमारी स्किन पे सनबर्न वगैरह हो जाती है उसको रिड्यूस करता है। और ये विटामिन से भरपूर होता है और इसमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, उसको शाइन करने के लिए फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर इंटेक तो हमने लेना ही लेना है, लेकिन साथ साथ हमें फ्रूट भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। इनकी जो शुगर होती है ना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी, जो फ्रूट्स की शुगर होती है। साथ में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ये साथ अनार, अनार का जूस भी मैं इसी के अंदर ही यूज़ करूँगी। तो अनार हमारी स्किन के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है अब हम वो देख लेते हैं। ये हमारे हार्ट को हेल्थ देता है, जो जो अनार होता है ना इससे हमारा जो हार्ट होता है तो वो सेहतमंद रहता है। तो जब हमारा हार्ट सेहतमंद होगा तो हमारी बॉडी और स्किन तो खुद ही नरिश करेंगे। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ये ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा जूस है, चाहे स्किन ऑयली हो, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे मतलब स्किन कम्बिनेशन वाली स्किन हो, ये आ स्किन टाइप के लिए ये वाला जूस इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी का खुद आप खुद फ़र्क देखेंगे क्या आ रहा है। साथ में ले रही हूँ लेमन। लेमन जो है हमारे खून को साफ करता है और ये हमारी बॉडी को विटामिन सी मुहैया करता है। विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन को ब्राइट और शाइन करता है। अब हम जूस बनाने का ये तरीका का शुरू करते हैं। तो मैं जब तक ये वाटरमेलन को काट लूँ उसके बाद हम मिलते हैं। काट लिया, मेरा तरबूज माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था और बड़ा ही फ्रेश था। आप भी कोई फ्रेश ही लीजिएगा क्योंकि वैसे भी जो बड़ा तरबूज होता है वो ज़रा मीठा भी होता है और जूसी भी ज़्यादा होता है। चलिए व्यूअर्स, जब हम जूस बनाना शुरू करते हैं सारे तरबूज का हम जूस बनाएंगे। नहीं है और जग में मैंने ये थोड़े से अनार डाल लिए हैं। पहले ये तरबूज डालूँगी, पहले मैं ना अनार को थोड़ा सा ग्राइंडर करूँगी क्योंकि ये हार्ड होते हैं ना। देखना आपने मशीन की फोर्स ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, अगर आपको लगे कि मशीन ज़्यादा फोर्स ले रही है थोड़ा सा पानी ऐड कर दो इसमें। देखें व्यूअर्स, ये मैंने अपना वाटरमेलन जूस रेडी हो गया, हमारी एनर्जी ड्रिंक रेडी हो गई है बिल्कुल। देखें आप भी अपने इस जूस को ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।